हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजायर पॉइंट और मेधा एकेडमी पर स्वागत करते हैं। आइए, आज हमारा मैथ का पहला लेसन का लेक्चर नंबर 5 रहेगा, जिस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर चर्चा करते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इम्पोर्टेंट है, इसका हम बहुत जगह अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट पहले देखो, सुनो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को हम लोग भाग का नियम कहते हैं, इसे भाग का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भाग का नियम कहा जाता है। दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के दिए रहने पर दो अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है कि बस वही, जैसे आप फील करो अगर किसी संख्या से किसी संख्या में भाग करते हो तो एक ही भागफल पाते हो और एक ही शेषफल पाते हो। जैसे मान लिया जाए कि 5 से आपको 17 में भाग देना हो, तो 5 से जब 17 में भाग करोगे बच्चों, यहां पर हम बता दे रहे हैं, जैसे दो संख्या 5 और 17 है, तो दो संख्या दिए रहने पर दो संख्या और मिलती है। कैसे मिलती है, भाग करने पर मिलती है। हम 5 से 17 में भाग करते हैं, चलो 5 को 17 में भाग करते हैं, 5 × 15 यहां कितना बचा, 2 बचा। अब देखो इसका भागफल 2 आया और शेषफल कितना आया, 3। तो ध्यान से अगर आप समझ पा रहे हो, तो अगर 5 से 17 में हम भाग दे रहे हैं तो हमको एक ही भागफल प्राप्त हो रहा है जो 3 है। बताओ कि इस कोई और भी भागफल प्राप्त हो रहा नहीं, तो अद्वितीय का मतलब जो केवल एक हो और वो ना हो, उसके जैसा ना हो। तो जब 5 से 17 में भाग करते हैं तो एक ही भागफल 3 और एक ही शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो यही कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू व आर, क्यू माने भागफल और आर माने शेषफल, इस प्रकार प्राप्त होती है कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड लेस देन बी। ये आर रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब शेषफल। शेषफल या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां पर देखो ये जो नियम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है, शेषफल। इसका प्रयोग किसका प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करने में किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, जब दो धनात्मक संख्याओं का हमको क्या करना हो, मासा ज्ञात करना हो। तो एक बार इसको हम अपने शब्दों में बताना चाहेंगे, जैसे हम मान लेते हैं, माना दो धन पूर्णांक, हम मान लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लेते हैं, ए वा बी है। तो दो धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लेते हैं, ए वा बी है। तब क्या होता है, जहां हम मान लेते हैं कि ए जो है बी से बड़ा है, तब क्या होता है, हम बी से ए में भाग करते हैं, तो हमारा कुछ भागफल क्यू आता है और भागफल करने के बाद यहाँ आर आता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं भागफल, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं शेषफल, शेषफल। तो यही कहा जाता है कि जब दो धन संख्याएं दी गई हों ए तथा बी, तो दो हमको धन संख्याएं और मिलती हैं, क्यू और आर मिलती हैं, तो कुल मिला 4 संख्याएं होती हैं। तो यहां पर यही नियम होता है, गणित का जो भाग का नियम होता है, भाग का नियम यही कहता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है, शेषफल, धन क्या होता है, शेषफल। लेकिन शेषफल के लिए एक नियम और है,
हमारा जो शेष होता है वो जीरो या जीरो से भरा होता है, लेकिन शेष भाजक से क्या होता है, शेष भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ भाज्य का काम a कर रहा है, भाजक है b, भागफल q और शेषफल क्या है r है, और फिर यहाँ लिख दिया जाता है जहां r इज ग्रेटर देन r इक्वल जीरो एंड लेस देन b। तो यही कहा जाता है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए गए हों तो दो हमको अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r मिलती हैं, सच दैट इस प्रकार मिलती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो एंड लेस देन b। यही होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, इसका प्रयोग दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करने में किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, जब हमें दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हमको मासा ज्ञात करना है। तो आइए इस पर क्वेश्चन लिखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखो इसको हल करने के दो तरीके हैं। देखो पहला हम फर्स्ट मेथड बताते हैं। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि आपको जो दी गई संख्याएं पहले उन्हें उतार लीजिए। दी गई संख्याएं तो संख्याएं हमको क्या दी गई हैं, क्या क्या संख्याएं दी गई हैं, 135 व 225। तो अब हम क्या काम करते हैं, 135 व 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देते हैं। तो 135 व 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग इसमें प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने का मतलब यह हुआ कि 135 से 225 में भाग करेंगे। देखो 135 से 225 में भाग करेंगे तो 135 क्या मिलता है, 0.90 हमको क्या मिला, 90। तो अब क्या हो गया, हमारा जो भाज्य हो जाएगा 225 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 1 आया, और यहाँ शेषफल कितना आ गया, 90। क्योंकि हमारा जो शेषफल आया, शेषफल 0 नहीं आया। तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, ध्यान से देखते रहो। पहले हम 135 व 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देंगे। तो 135 से 225 में भाग करके भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल लिखेंगे। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं है, अब हम पुनः क्या करेंगे, 90 और 225 में अब हम क्या करेंगे, अब 90 व 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग फिर कर देते हैं प्रयोग। अब देखो क्या करते हैं, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर 135 बराबर लिखेंगे 90 गुणे 1। अब 90 से 135 में भाग करेंगे तो 135 में 90 से 90 के 90 यहां से मिला 45, शेष 0 नहीं आया। तो प्लस यहां से लिख देंगे फिर 45। अब यहां पर शेषफल क्या आया, शेषफल फिर 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, पुनः 45 और 90 में फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देते हैं। चलो बच्चों चका नहीं है तो फिर अब आगे हम क्या करेंगे, आगे क्या करते हैं जरा देखो, अब आगे हम लिखेंगे 90 व 45 में यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देते हैं। कैसे करेंगे? 90 बराबर हम लिख सकते हैं 45 गुणे दो, 45 मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो। अब यहां हमारा शेषफल क्या गया, हमारा शेष क्या गया, जीरो। तो शेषफल किसकी वजह से आया, 45 से। अब 45 से 90 में भाग किया गया, 45 दूना 90, शेषफल जीरो आ गया। तो शेषफल जीरो आया तो लास्ट में लिखा जाएगा, अतः 135 व 225 का मासा, 135 व 225 का मासा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका सेकंड मेथड क्या होता है। सेकंड मेथड में नंबर दोनों विधियों से उतना ही मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो हम लोग सेकंड मेथड में क्या करते हैं, सुनो। सेकंड मेथड में दी गई संख्याएं, पहले उतार लीजिए दी गई संख्याएं। संख्याएं क्या दी गई हैं, दी गई संख्याएं 135 व 225 हैं। तो अब क्या करिए आप लोग, 135 से 225 में भाग करिए, और तब तक भाग करिए जब तक ये शेषफल शून्य ना हो। तो पहले 135 एक के 135 आ गया, यहां बचा जीरो, और 12 में से 3 घटा बचा 9, ये हो गया। अब 90 से किस में भाग करिए, 135 में, 90 के यहां पर आ जाएगा 90, समझ में आया। 90 के 90 आ गया, तो यहां से बचा 45। अब 45 से भाग कर दीजिए 90 में, तो 45 दुना 90 कट गया। तो एचसीएफ ऑफ 135 कामा 225 बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। अच्छा, इसको ऐसे भी, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो लोग, 225 बराबर लिख दो, अरे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, 135 गुणे भागफल एक है, शेषफल 90 है। फिर अब 135 बराबर लिख दो 90 गुणे एक प्लस 45 लिख दो, और फिर 90 बराबर आप लिख दो 45 गुणे दो प्लस जीरो लिख दो, शेषफल जीरो आ गया। तो लास्ट में इसका भी क्या हो जाएगा, अतः एचसीएफ ऑफ 135 कामा 225 बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो कुल मिला के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से हम दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। नियम यही कहता है कि आपका देखो पहला मेथड क्या है, सबसे पहले दी गई संख्याएं हैं, संख्याओं में सबसे पहले 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही कहती है कि अगर दो संख्याएं मिल जाती हैं तो दो ठी और मिलती हैं भाग करने पर, भागफल और क्या, शेषफल। हम 135 से 225 में भाग करेंगे तो हमको शेषफल एक मिलेगा, और मतलब भागफल एक मिलेगा, शेषफल 90 आया, शेषफल जीरो नहीं आया। अब पुनः हम 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देंगे, फिर शेष 45 आ गया। अब हम करेंगे 45 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देंगे तो शेषफल जीरो आ जाएगा। फिर हमारा मासा क्या हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। दूसरा मेथड आप कैसे समझोगे, दूसरा मेथड क्या है, दी गई संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में तब तक भाग करो जब तक आपका शेषफल शून्य ना जाए। देखो यहां शेषफल शून्य आ गया तो इसका मासा 45 हुआ, और इसको इस स्टेप में भी लिखा जा सकता है। समझ में आया? तो आप चाहे पहले नियम या दूसरे नियम से लगाओगे आपको उतना ही नंबर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तरीका दोनों सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 196 और 38 220 है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है प्यारे बच्चों। अतिरिक्त बुक में भी हम हल कराएंगे, मतलब अतिरिक्त बुक का भी हल में सबसे पहले दी गई संख्याएं हमको क्या क्या दी गई हैं। संख्याओं में एक संख्या दी गई है 196 व 38 220। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं, 196 में 38 220 से भाग करते हैं,
38,220 में भाग करते हैं, कितनी बार ले जाएं, दो बार भाग चला जाएगा, 2 6 12, 2 9 18, 19 के 9 कैरी हुआ, 1 2 1 के 2 1 3, दो बार ज्यादा जाएगा ना, इसका भाग आप एक बार ही ले जाओगे तो 196 हुआ, 12 में से 6 घटा 6, और यहां से बचा 17, 17 में से 8 घटा बचा 9, 9, और यहां से कितना बचा, 3 में से 2 घटा 1, 1 बचा, बारह में से 6 घटा 6, 17 में से 9 घटा 9, 8 17 होता है, 6 186 बचा। अब 2 हमारे पास फिर उतर जाएगा, अब भाग कितनी बार जाए, 700, ये लगभग 7 × 2 = 1400 और 8 × 2 = 1600, 8 बार जाए तो 8 6 48 के 8 कैरी हुआ 4, 8 7 56, 8 6 48 के 8 कैरी हुआ 4, 8 6 48 के 8 कैरी हुआ 4, और 8 9 72, 4 76 के 6 कैरी हुआ 7, और 8 1 के 8, 8 7 15, अगर 9 बार जाए तो 9 6 54, 9 6 54 के 4 कैरी हुआ 5, 9 9 81, 5 86, 6 कैरी हुआ 8, और 9 1 के 9 8 17, 9 बार भाग चला जाएगा, तो 9 बार ले जाओ भाग, 9 6 54 के 4 कैरी हुआ 5, 9 9 81, 5 86, 6 कैरी हुआ कितना 8, 9 1 के 9 8 17, तो यहां से बचा 12 में से 4 घटा 8, और यहां से 15 में से 6 घटा 9, और यहां से कट के खत्म हुआ, बाकी आपका 0 बचा। अब भाग कितनी बार जाएगा, 5 6 30, 5 बार जाए तो 196, अब भाग 5 बार जाएगा तो 5 6 30 के 0 कैरी हुआ कितना, 5 6 30 के 0 कैरी हुआ कितना 3, 5 5 9 45, 3 48 के 8 4, 5 1 के 5 4 9, तो इसको 196 ही विभाजित कर दिया तो इसका लास्ट में लिख देते हैं, अतः एचसीएफ ऑफ 196 कामा, अतः एचसीएफ ऑफ लास्ट में लिख देते हैं, अतः एचसीएफ ऑफ 196 कामा 38,220 बराबर क्या जाएगा, 196 आ जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, तो कुल मिला के डिवाइड ही किया गया, आसान है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, 426 और 576, तो हल में हमको क्या करना है, 426 से 576 में भाग कर देना है, भाग एक बार जाएगा, 426 लिख दीजिए 0, 7 में से 2 घटा बचा 5, और यहां से बचा 1, अब 150 से 426 में भाग करते हैं ना, 150 × 3 15 3 45, 450 हो जाएगा, दो बार ही भाग जाएगा, 300 लिख दीजिए, बचा 6 2 और 1, 126 बचा, अब 126 से 150 में भाग करेंगे, भाग एक बार जाएगा, 126 कितना बचा यहां से, 10 में से 6 घटा बचा 4, और यहां से बचा 4 में से 2 घटा 2, 24 का भाग 126 से करते हैं, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120, 6 हुआ, अब 6 से 24 में भाग करते हैं, 6 चौके 24, अंतिम में कौन काटा, 6 काटा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 6, तो लास्ट में यही लिखना है, अतः एचसीएफ ऑफ 426 कामा 576, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए संख्या 165 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना, तो वही काम करना है, हल में दी गई संख्याएं, हल में दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं, संख्याएं क्या क्या दी गई हैं जरा देखो, दी गई संख्याओं में 165 है व 255 है, 165 व 255 है, तो हम क्या काम करेंगे, 165 से 255 में भाग करेंगे ना, 165 दूना ज्यादा चला जाएगा तो एक बार जाएगा 165 हो जाएगा, यहाँ जीरो बचा 15 में से 6 घटा 9 90 हुआ, अब 90 से 165 में भाग करेंगे, 90 के 90 हुआ, यहाँ बचा 5, 16 में से 9 घटा बचा 7, अब 75 से 90 में भाग करेंगे, 75 के 75 मिला, यहां से आपको मिल जाएगा शायद 25, 10 में से 5 घटा 5 15, 15 से 75 में भाग करेंगे, 15 पचे कितना मिलेगा 75, शेष फल 0 आ गया, तो इसका मतलब आता है HCF of 165 कामा 255, 165 कामा 255, इसका HCF कितना है 15, समझ में आया बच्चों। चलिए तो ये सब बहुत ही शानदार और आसान प्रश्न है, बस इसमें से आपको क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है और तब तक भाग करना है जब तक वो कट ना जाए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए 272 और 1032 का मासा ज्ञात कीजिए, 272 और 1032 का क्या ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए, कैसे हल करते हैं, हल में सबसे पहले दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं, संख्याएं क्या क्या दी गई हैं जरा देखो, दी गई संख्याएं कितना है 272 व 1032 है, ये दोनों संख्याएं दी गई हैं, तो हम क्या काम करेंगे, 272 से 1032 में भाग करते हैं, तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 पंचे 10 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 दुना 8, 4 सत्ते 28 के 8 कैरी 2 और 4 दुना 8 2 10, 4 बार भी ज्यादा हो जाएगा, भाग 3 बार ले जाओ तो 3 बार भाग जाता है, 3 दुना 6, 3 सत्ते 21 के 1 कैरी हुआ 2 और 3 दुना 6 2 8, 12 में से 6 घटा 6, 2 में से 1 घटा 1 और यहां 216, अब 216 से भाग करेंगे 272 में, भाग एक बार जाएगा 216, 12 में से 6 घटा 6, यहां से बचा 6, यहां से बचा 6, 6 में से 1 घटा 5, 56, 56 से भाग करते हैं 216 में, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 1 21, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 और 1 21, 214 आ गया ना, 214, अब 214 में यहां पर 216 6 बचा और भाग सॉरी 2 बचा भागे 56 हुआ ना, अब 2 जो है 56 को डिवाइड कर देगा, यहां जगह है नहीं, ये डिवाइड कर देगा ना, 2 एक के 2 सॉरी 2 दुना 4, 2 थे 16, 28 दुना 56 होता है, वो हम इकट्ठा कर दिए हैं, आप टेंशन ना लीजिए, तो 2 जो है 56 को डिवाइड कर देगा, तो अतः HCF of 272 कामा 1032, इसका HCF आ जाएगा 2, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है, दो तीन छह दो पंचे दस, दो पंचे दस, सोलह दुना बत्तीस, नहीं यार, दो सते चौदह, दो अठे सोलह, दो दुना चार, दो पंचे दस, दो सौ, इसका कहीं भाग गलती हो गया, एक बार फिर से चेक करते हैं, 272 1032, 3 बार जाए, 3 दुना 6, 3 सते 21, 3 दुना 6 2 8, 12 में से 6 घटा 6, यहां से 2 में से 1 घटा 1
दो में से एक निकला एक, अब यहां से बचा दस, दस में से आठ घटा दो, 216 भागे 72। एक बार भाग जाएगा 216 के 216, 12 में से 6 घटा बचा 6, अब यहां से बचा 6, यहां से एक उधार, 12 में से 6 घटा 6, यहां से बचा 6, 6 में से एक घटा 5। अब 5 से 216 हम भाग करेंगे, 4 बार भाग अगर ले जाएं, 4 बार तो 4 छंग 24 के 4 कैरी हुआ 2, अब 4 पंचे 20 2 22 हैं। यहां पर भाग गलती हो गया बच्चों, इसमें आप इसको समझो। अब यहां शेष 56 आया, जगह नहीं थी, यहां देखो यहां 50 शेष 56 आया। अब 56 से हम भाग करते हैं 216 में, यहां कर देते हैं 56 से 216 में डिवाइड करते हैं, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार भाग ले जाते हैं, 3 छक 18 का 8 कैरी हुआ कितना, 3 छक 18 का 8 कैरी हुआ कितना, 1, 3 पचे 15 1 16, 16 में से 8 घटा 8 और यहां से बचा 4। देखो 8 8 16 6 1 6 4 10 11 के 1 1 1 2। अब 48 से भाग करते हैं 56 में, 48 के 48 कितना बचा, 2 6 8। अब 48 का 8 से भाग करते हैं, 8 छ 9, यहां देखो जगह नहीं है, यहां बचा 8। अब 8 से भाग करते हैं 48 में, 8 छंग 48 कौन अंतिम में काटा, 8 काटा, तो जब 8 काटा तो लास्ट में लिख देते हैं अच्छा, अतः HCF of 272 कामा 1038 1032, इसका HCF कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। समझ में आया, आसान था, बस भाग ही करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना और इतने में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। देखो शेषफल का हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताने चल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है आप जॉब कर रहे हो और आपको मान लीजिए 15,000 रुपये हर महीने आपको पेमेंट मिला, तो 15,000 रुपया मिलना है और आपको हर महीने 6,000 रुपये उसमें बताना है, शेष बचाना है। तो शेष बचाने का दो तरीका है, पूरा आप खर्च कर दीजिए, खर्च करने के बाद जो बचे वो बचाओ, या तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे ही आपको पेमेंट मिले उसमें से 6,000 रुपया पहले ही निकाल दो। अगर पहले निकाले रहोगे तो शेष बचने का ज्यादा चांस है, 6,000 एग्जैक्ट बचेगा। तो जब कभी भी शेष बचाना है तो पहले ही हम निकाल दें। हमसे कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने का मतलब आपको मासा ही निकालना है, लेकिन इससे हमको कितना शेष बचाना है, 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि हमको शेष बचाना है। फिर इससे हमको कितना शेष बचाना है, 7, तो हम पहले ही 7 निकाल दें। तो एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है, इससे 5 निकाल दो और इससे 7 निकाल दो, और 7 निकालने के बाद जो आए फिर उसका क्या निकाल दो, मासा निकाल दो। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हल में दी गई संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, तो संख्याएं दी गई हैं 20 53 व 967, ये संख्याएं दी गई हैं 20 53 व 967। अब शेषफल क्रमशः 5 व 7 के लिए, 5 व 7 के लिए, तो 5 व 7 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से पहले ही 5 निकाल देंगे, 20 53 में से 5 निकाल देंगे व 967 में से 7 निकाल देंगे, तो बचा कितना,
जब 5 निकाल देंगे तो यहां से 20 48 हो जाएगा और वहां से 960 हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमको क्या करना है, 960 व 20 48 का मासा निकाल देना है। 960 व 20 48 का क्या निकाल देना है, मासा निकाल देना है। तो अब मासा कैसे निकालोगे आप, 960 से 20 48 में भाग करेंगे, भाग दो बार जाएगा ना, तो 2 0 0, 2 6 12, 2 1 1, 2 9 18 1 19, यहां बचा 8, यहां बचा 2, यहां बचा 1, यहां बचा कुछ नहीं, 128। अब भाग करते हैं 960 में, कितनी बार भाग जाएगा, 5 8 40, 5 2 9 10, 5 नहीं, शायद 6 बार जाए, 7 बार जाए, 7 8 56 के 6 कैरी हुआ कितना, 5, और 7 2 9 14, 5 19 के 9 कैरी, 1 7 1 8, 7 बार जाएगा, 7 बार भाग ले जाते हैं, 7 8 56 के 6 कैरी हुआ 5, 7 2 9 14, 5 19 के 9, 7 2 9 14, 5 19 के 9 कैरी, 1 7 1 7 1 8, यहां से बचा 4, और यहां से बचा कितना, 15, 15 में से 9 घटा, 9 6 15, 64 हुआ। अब हम करेंगे 128, 64 दुना कितना होता है, 128 होता है, यह कैंसिल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मासा कितना हुआ, मासा कितना हुआ, मासा हुआ 64। तो अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, अतः बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 64। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था, देखो कैसे हम किए हैं। सबसे पहले कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें इसमें भाग देने पर, इसमें और इसमें भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 9 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सबसे पहले दी गई संख्या, संख्या में हमको दिया गया है 20 53 व 967, शेषफल हमको कितना कितना बचाना है, शेषफल क्रमशः 5 व 7 के लिए हम क्या करेंगे, 20 53 से 5 पहले ही निकाल देंगे, 967 से 7 निकाल देंगे, तो हमारे पास जो संख्या मिली वो संख्या मिली 20 48 और 900 कितना मिला, 60 मिला, 20 48 और 900 कितना मिला, 60 मिला। अब हम क्या काम करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, हम बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या काम करेंगे, 960 व 20 48 का हम क्या कर देते हैं, मासा ज्ञात कर लेंगे। तो मासा हमारा आ गया 64, तो अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 64। 64 से बच्चों, 64 से अगर इसमें भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5, और 64 से इसमें भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 मिलेगा। समझ में आया बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए सबसे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 व 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। आसान प्रश्न है, ध्यान से देखो, इसको भी करेंगे ऐसे ही हल में। सबसे पहले दी गई संख्याएं, हल में दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं, संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं 398, 436 व 542, ये संख्याएं हमको दी गई हैं। शेषफल क्रमशः 7, 11 व 15 के लिए, तो शेषफल क्रमशः 7, 11 व 15 के लिए हम 398 में से 7 निकाल देंगे,
436 में से 11 निकाल देंगे, वह 542 में से 542 में से 15 निकाल देंगे, तो 398 में से जब 7 निकालोगे तो 392 होगा, 436 में से 11 निकालोगे 425 होगा, वह 542 में से 15, 12 में से 5 घटा 7 और यहां से बचा 3, 3 में से घटा 2 और यहां से बचा 5, 527 मिला। तो बड़ी से बड़ी संख्या अब क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमको क्या करना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 392, 425 व 527 का मासा, 392, 425 व 527 का क्या निकाल देते हैं मासा। तो अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तीन संख्याएं हैं, अब तीन संख्याओं का डायरेक्ट मासा तो निकाल नहीं पाओगे, बताओ कभी तीन संख्याओं को आप इकट्ठा जोड़ पाओगे, नहीं, पहले कोई दो संख्या आप जोड़ते हो जो आता है, फिर वो तीसरे में आप जोड़ते हो। तो ढंग से देखो आप लोग, सुनो, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमको क्या करना चाहिए, तीनों का मासा लेना है, लेकिन हम तीनों का डायरेक्ट मासा तो ले नहीं पाएंगे, पहले कोई दो का मासा लेंगे, जो आएगा तीसरे के साथ ले लेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 392 व 425 का मासा, 425 का मासा, तो पहले इनका मासा लेते हैं, आप 392 में से 425 में भाग कर दीजिए, 392 भागे 425 कितनी बार भाग गया, एक बार, 392 ना, पांच में से दो घटा बचा तीन और 12 में से 9 घटा 9, 3 12 यहां कैंसिल हुआ 33, 33 से भाग करो 92, 33 के 33 कितना मिला 62 62, फिर 33 इक्के फिर कितना मिला 33 मिला, कितना बचा बच्चों 12 में से 3 घटा बचा 9, कहीं भाग करने में तो गलती नहीं हुई, 392 भागे 425 एक बार भाग गया 392, यहां से बचा 8, 25, 8, 33 ही हुआ, 33 इक्के 33 ना, 9 में से 3 घटा 6, 3 में से 3 6 2 62 आ गया, 33 इक्के 33 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 392 में से जब 7 यही गलती हो गई, 391 आएगा ना, 7 में से यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों, 391 आएगा, सॉरी, यहाँ प्यारे बच्चों घटाने में गलती हो गई, 391 आना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 391 आएगा, चलो तीन सौ इक्यानवे आएगा, 391 391, अब यहां से बचा 5 में से 1 घटा बचा 4 और यहां से बचा 12 में से 9 घटा 3 34, 34 से भाग करते हैं 391, 34 इक्के 34 बचा कितना 5 1, फिर 34 इक्के 34 इक्के फिर 34 बचा, यहां से शायद मिला 17। अब हम क्या करेंगे, अब हम 17 से भाग करते हैं 34 में, 17 दुना 34, तो इनका मासा क्या आ गया, हमको मासा आ गया 391 वा 425 का मासा, इसका मासा कितना आ गया, इसका मासा 17 आ गया।
अब हम क्या काम करेंगे, सत्रहवा, अब जो आया सत्रहवा तीसरे के एक साथ, सत्रहवा 527 का मासा, अब 17 और 527 का मासा निकाल देते हैं, तो 17 से भाग करेंगे 527 में, 17 तिया 51, कितना बचा एक, 17 इक्के 17, इसका मतलब मासा, इसका मतलब HCF ऑफ 17 कॉमा 500, अब तुरंत 17 इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, 17 कॉमा 527 इसका मासा क्या गया 17, तो अतः इसका मतलब HCF आप तीनों संख्या का HCF 398 कॉमा 425 और 527 का मासा कितना हो गया 17 हो गया, अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 17 होगी, अतः बड़ी से बड़ी संख्या, अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या 17 हो जाएगी। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों आज के सेशन में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उस पर आधारित प्रश्न बताए गए। अब कल की क्लास में एक सवाल एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा, इसमें से 7, इसमें से 11 और इसमें से 15 घटा के 3 संख्याएं आएंगी, तीनों का क्या निकाल दिया जाएगा मासा। तो इस सेशन में आज आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उस पर आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उस पर आधारित प्रश्न बताए गए। अब कल की क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्लास रहेगा, कल के क्लास में अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर हम और अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट रहेगा वो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना रहेगा, और इस पर बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला आता ही आता है। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।